31 जनवरी की जो काली रात काला अध्याय देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो गिरफ्तारी हुई हो मेरे संज्ञान में नहीं। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है। इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगे। 31 जनवरी की जो काली रात काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो गिरफ्तारी हुई हो मेरे संज्ञान में नहीं। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय बड़ी सुनियोजित तरीके से बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन किन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए एक बराबरी और एक साथ चले मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में होने की करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से
अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हें के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए, हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुराने जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का अवकाश इनके पास नहीं रहता।